हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किराएदार से अपना घर को किस तरह से खाली करवाया जा सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ऐसा अक्सर हो जाता है कि अपना खाली पड़ा हुआ घर, प्लॉट या फिर शॉप को किराए पर देते हैं, ये सोच कर कि उससे हमको आमदनी होगी। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यही एक्स्ट्रा इनकम हमारे सर का दर्द बन जाता है। किराएदार किराया तो देना दूर की बात है, वो खाली करने से भी मना कर देता है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जानने के लिए शुरू से आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने अपने घर में किसी किराएदार को रखा है और वो किराया नहीं देता, और जब भी आप उनसे किराए की डिमांड करते हैं तो वो आपसे झगड़ा करने लग जाता है, या फिर मारने की धमकी देता है, या हाथापाई पर उतर आता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत से लोग जोश में आकर किराएदार से झगड़ा करने लग जाते हैं, या फिर ज़बरदस्ती उनका सामान घर से बाहर फेंक देते हैं। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आप ही उल्टा परेशानी में पड़ सकते हैं। मकान मालिक को ये चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो अपने किराएदार से दूरी बनाए रखें, उनसे किसी भी तरह का झगड़ा ना करें, और ना ही ज़बरदस्ती उनके किसी भी सामान को हाथ लगाएं या फिर उनका सामान को बाहर फेंकें, क्योंकि ऐसा करना भी एक कानूनन अपराध है। मकान मालिक को ये चाहिए कि वो जब भी मकान, दुकान या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं तो रेंट एग्रीमेंट या फिर किरायानामा जरूर बनवाएं, और अगर हो सके तो उसे रजिस्टर जरूर कराएं, और अगर रजिस्टर नहीं कराते तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट को बनवाना चाहिए, जो कि 11 महीने का बनता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को किराए पर दे रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से यही सलाह है कि उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्टर जरूर करा लें। ये प्रोसीजर थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, पर इसके बाद किसी भी तरह की डिस्प्यूट से आप बच जाते हैं। अगर रेंट एग्रीमेंट बनवा लिया या फिर उसको रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद भी अगर कोई मकान मालिक में और किराएदार में डिस्प्यूट हो जाता है तो रेंट एग्रीमेंट में लिखे हुए क्लॉज के आधार पर उसका निपटारा किया जा सकता है। अगर रेंट एग्रीमेंट में कोई ऐसा भी क्लॉज है कि अगर किराएदार किराया देना बंद कर देता है तो मकान मालिक को क्या अधिकार होंगे, या फिर ये कंडीशन हो कि मकान मालिक किन किन कंडीशन के चलते किराएदार से मकान को खाली करवा सकता है, इन क्लॉज के आधार पर आप किराएदार से डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए रेंट एग्रीमेंट के एक एक क्लॉज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसलिए जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो उसमें एक एक क्लॉज को ध्यान से पढ़ें, और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्लॉज है कि आपको लगता है कि रेंट एग्रीमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को ऐड कराएं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाते हैं तो उनके पास एक फॉर्मेट की कॉपी पड़ी होती है, जिसको वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आपको प्रिंट आउट दे देते हैं, और बहुत से केसेस में तो मकान मालिक को पता ही नहीं होता कि रेंट एग्रीमेंट में लिखा क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाएं तो जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट बना रहा है उससे ये पूछें कि रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा गया है। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप उसे हिंदी में भी बनवा सकते हैं, या फिर अगर वो रेंट एग्रीमेंट इंग्लिश में बना हुआ है तो आप उससे पूछें एक एक क्लॉज के बारे में कि हर एक क्लॉज में क्या क्या लिखा गया है, और आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी बात आती है जो कि उसमें ऐड होनी चाहिए तो वो भी उसे बताएं और अपने सामने उसको एंटर करवाएं। या फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय आप किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा तो रेंट एग्रीमेंट में किन किन कंडीशन को रखा गया था उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और कोशिश ये की जाएगी कि रेंट एग्रीमेंट के आधार पर ही आपका डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया जाए। ये तो थी बात कि आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया था उसके आधार पर किस तरह से आपका डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पर गुडविल से आपने किसी को अपना मकान किराए पर दिया था, जैसे कि हम किसी रिश्तेदार को दे देते हैं या फिर पहचान वाले को दे देते हैं और गुडविल के चलते हम उनसे रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, अपनी ऑनरशिप को प्रूफ करते हुए कोर्ट को बता सकते हैं कि आपने रेंट एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया था। कोई व्यक्ति किराएदार है, इसके लिए आप भरोसेमंद विटनेस को भी पेश कर सकते हैं, और ऐसी कोई मीडिया रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि वो व्यक्ति आपका किराएदार है।
मकान मालिक कोर्ट को एक वैलिड रीज़न बताते हुए कि वो क्यों चाहता है कि किराएदार मकान को खाली कर दे, जैसे कि मकान मालिक ये कहे कि बेटे की शादी हुई है और बेटे बहू के लिए उसे एक घर चाहिए, या फिर मकान मालिक के पास खुद रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो खुद किसी किराए के मकान में रहता है, या फिर किराएदार समय पर किराया नहीं देता या देता ही नहीं है, ये भी एक वैलिड रीज़न हो सकता है मकान को खाली करवाने का। ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो मकान मालिक कोर्ट को बताकर मकान खाली करवाने की मांग कर सकता है। उसी तरह किराएदार को भी मौका दिया जाता है, उसे भी एक वैलिड रीज़न बताना होता है कि वो मकान को खाली क्यों नहीं करना चाहता। रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार ऐसी कंडीशन में जहां पर किराया 3,500 रुपये से कम है, उस तरह के केस एडिशनल जज के यहां सुने जाते हैं और उसको सुनने में काफ़ी टाइम लगता है। और दूसरी तरह के केसेस जिसमें किराया 5,000 रुपये से ज़्यादा है, वो सेशन जज के यहां सुने जाते हैं, वहां पर एविक्शन पिटीशन फाइल करके मकान को तुरंत खाली करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की किराएदार से घर किस तरह से खाली करवाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे अपनी इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।